चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इंपेडेंस जेड एन फ्रीक्वेंसी एफ इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो इसका सीरीज एलसीआर सर्किट का ग्राफ अगर आप बनाएं करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है एलसीआर सीरीज सर्किट का। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि जेड मिनिमम होता है। जेड मिनिमम कब होगा? जेड की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और रेजोनेंस के केस में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के इक्वल होता है। किस केस में? रेजोनेंस के केस में। रेजोनेंस के केस में एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल होती है। और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? एल ओमेगा। एक्सी की वैल्यू क्या होती है? वन अपॉन सी ओमेगा। करेक्ट है एक्सएल की वैल्यू। अब यहां पर एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल है। अब लेफ्ट साइड में अगर आप चलोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, और राइट साइड में आप चलोगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो आप अगर देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो ओमेगा डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी तो ओमेगा इंक्रीज होगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने पे, फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो एक्सएल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? एल ओमेगा होती है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसलिए। और अगर एक्सएल डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में अगर न्यू डिक्रीज कर रहा है यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सी इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि एक्सएल एक्सी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी न्यू न्यू के कहो या ओमेगा के कहो। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने पे यानी लेफ्ट साइड में मूव करने पे एक्सएल डिक्रीज कर रहा है और एक्सी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है इस साइड पे एक्सएल कम होगा और एक्सी ज्यादा होगा। एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। जबकि आगे बढ़ने पे यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और न्यू की वैल्यू इंक्रीज करने पे एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होगी। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर एक्सएल की वैल्यू बड़ी होगी, एक्सी की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो z की वैल्यू जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। तो xl इंक्रीज करे या xc इंक्रीज करे, z की वैल्यू दोनों केसेस में इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि xl माइनस xc का होल स्क्वायर है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो उसका स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव हो गई। यानी हर केस में, दोनों ही केसेस में z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है स्क्वायर की वजह से यहां के। ठीक है, तो अगर आप कहो फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड में मूव करने पे या राइट साइड में आप मूव करोगे तो z की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो z की, अगर ये रेजोनेंस का केस है, यहां फ्रीक्वेंसी है न्यू या f, क्वेश्चन f का हुआ है, न्यू कंसीडर कर लेते हैं। इस केस में आपका z जो है वो मिनिमम है, इसलिए करंट जो होती है मैक्सिमम हो जाती है। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे या राइट साइड में मूव करोगे, क्या बोल रहा है, जेड की वैल्यू लगातार इंक्रीज होगी क्योंकि स्क्वायर की वजह से। तो ग्राफ ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ग्राफ है, इसमें सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।